गुड इवनिंग एवरी वन वी आर गोइंग टू स्टडी अवल कॉल टूब ऑफ सैंड इट इज़ रिटन बाई गीतांजली श्री एंड इट इज़ अ हिंदी लैंग्वेज नॉवल नावल जो है हिंदी लैंग्वेज में लिखी है गीतांजली श्री ने शी नोज़ इंग्लिश बट बट शी प्रिफर्स टू राइट इन हिंदी और ये जो है हमें जो है सिलेबस के लिए इसका ट्रांसलेटेड वर्जन है विच इज़ रिटन बाई डेजी रॉकोवेल सो डेजी रॉकवेल जो है शी फाउंड द नावल वेरी इंटरेस्टिंग द लैंगवेज वेरी ब्यूटिफुल एंड इट इज़ सॉर्ट ऑफ यूनिक इंडिया में जो है यूजली ऐसी नॉवल्स जो है हमको देखने को नहीं मिलती मोस्ट ऑफ़ द नावल हर फोकस्ड ऑन द प्लाट एंड द स्टोरी ऑफ द नावल बट गीतांजलि श्री जो है उन्होंने नरेशन और वर्ड्स पे फोकस किया है मोस्टली सो इट इज़ डिफरेंट काइंड ऑफ नावल विच इज़ वाई डेजी रॉकवेल ट्रांसलेटेड इन टू इंग्लिश सॉरी हाँ इन इंग्लिश एंड देन द बुक वॉज जो है शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरनेशनल बुकर प्राइज इंटरनेशनल बुकर प्राइज को शॉर्ट लिस्ट होने के बाद इट ऑल्सो वन सो इट इज़ द फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज नॉवल जो है जो कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए जो है जिसको अवार्ड मिला है सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ वाई इट हेज़ बिन प्रिस्क्राइब फॉर आर सिलेबस जो है और Uh, यहाँ पे जो है एक चीज़ जो है ये नावल पढ़ने से पहले हमेशा जो है ध्यान में रखना जो है हमको इट इज़ वेरी मेजमोराइजिंग जो है वर्ड जो है यहाँ पे बहुत मेजमोराइजिंग है और मोस्टली जो है साउंड्स पे इम्पोर्टेंस दिया है गीतांजलि uh, श्री ने मतलब कि ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हैं जो एक दूसरे के साउंड मिमिक करते हैं सॉर्ट ऑफ लाइक राइम राइम बोलेंगे हम राइम या रिदम बोलेंगे उसको शी हैज़ फोकस्ड ऑन राइम एंड रिदम ऑफ थिंग्स

तो इसकी समरी देख लीजिए जो है नॉवेल uh, शुरू होती है एक डेथ से ओके सो द मैन जो है एक बूढ़े आदमी की डेथ हो जाती है और उसकी वाइफ जो है द स्टोरी इज़ अबाउट द वाइफ द मैन हु हैज डाइड एंड हिज़ वाइफ हु इज़ ग्रीविंग हर हजबेंड्स डेथ जो उनका ग्रीफ है वो जो लेडी है बूढ़ी औरत है उनका ग्रीफ जो है वो इतना सिग्निफिकेंट है इतना ज़्यादा है कि वो जो है किसी भी कोई भी चीज़ नॉर्मल जो वो करती थी वो अब कर नहीं सक रही है सो शी इज़ वेरी डिप्रेस शी इज़ वेरी ग्रीफ रिडन एंड शी इज़ कम्प्लीटली कट ऑफ फ्राम द वर्ल्ड शी हैज़ कम्प्लीटली कट ऑफ फ्राम द वर्ल्ड सो दिस दा दिस वुमेन इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नावल गीतांजलि श्री जो है नावल के दो प्रोटैगनिस्ट बताती है एक तो जो है जो मदर है जो लेडी जो अपना हस्बेंड को जिसकी डेथ हो चुकी है दैट इज़ वन प्रोटैगनिस्ट दी अदर प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नावल इज़ द डॉटर ऑफ दिस वुमन इस औरत की बेटी जो है वो जो है इस स्टोरी का सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रोटैगनिस्ट है द मदर जो है वो एटी ईयर्स की ऑक्टोजेनेरियन है ऑक्टोजनेरियन मतलब जो एटीज़ में होते हैं एज जिनके एटीज़ में होती है शी इज ऑक्टो ऑक्टोजेनेरियन एंड शी जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ हर हजबैंड शी हैज़ गिवन अप ऑन हर लाइफ एंड शी जस्ट लाइज ऑन द बेड ऑल डे एंड नाइट वो अपने बिस्तर पर लेटी रहती है और uh, उनके रूम में जो है uh, उनके पूरे रिश्तेदार आते जाते हैं नौकर आते जाते हैं ताकि वो बेड पे से उठे दे वॉन्ट हर टू गेट बैक टू हर लाइफ दे वॉन्ट हर टू ईट दे वॉन्ट हर टू स्माइल दे वॉन्ट हर टू टेक अ वॉक दे वॉन्ट हर टू एन्जॉय द गार्डन बट ऑल शी रजिज़ जो है उनको अपनी पीठ दिखाती है है ना माँ जो है उनके उनसे मुंह फेर के जो है अपनी पीठ जो है ये लोगों को दिखाती है विच इज़ वाई जो है इस नावल के फर्स्ट पार्ट को जो है नाम क्या दिया है उन्होंने माज बैक मतलब माँ की पीठ जो है इस नावल में जो है मोस्टली जो है माँ की पीठ ही दिखती है सबको सो so, माँ के जो है इस हाल पे जो है एवरीबडी इज़ वेरी फियरफुल की जो है उनको लगता है कि हम ऑलरेडी अपने फादर खो चुके हैं नाव वी हैव लॉस्ट आर मदर टू सो एवरीबडी इज़ वेरी अपसेट एट दिस एंड माँ जो है वो किसी को रिस्पोंड नहीं करती है उनके बेटा आता है जो है बहू आते हैं घर के बाकी के लोग आते हैं रिश्तेदार दूर दूर के आते हैं माँ किसी को रिस्पॉन्ड नहीं करती है सिवाय अपने पोते के उनका एक बेटा होता है और एक पोता होता है उनका एक पोता होता है सिड जिसका सिद्धार्थ नाम होता है उसको सब सिड बुलाते हैं सिड इज़ वेरी आउट गोइंग यू नो बहुत मॉडर्न और बहुत आउट गोइंग जैसे कि टिपिकल जो है टीन एज या राउडी बॉयज़ होते हैं राउडी अडल्ट बॉयज होते हैं कॉलेज एज के वैसे जो है सिड होता है ये बहुत सोशल होता है शी इज इन्वॉल्व इन ऑल हिज फ्रेंड्स एंड हीज ही प्लेज म्यूजिक सो so, माँ को माँ का अपनी दादी का मूड इम्प्रूव करने के लिए सिड जो है वो गिटार लेके आता है और माँ अपनी दादी के साथ गाना गाने की कोशिश करता है एंड ही ट्राइज टू इन्वॉल्व द ग्रैंड मदर टू माँ जो है एम ए माँ माँ जो है हर किसी को इग्नोर कर सकती है बट सिड की बात अलग होती है सिड इज़ द एप्पल ऑफ हराइज ही शी लव्स हिम वेरी मच और ना चाह कर भी वो सिड को रिस्पॉन्ड करती है एंड शी स्माइल सेट हिम एंड शी ट्राइज़ टू इंगेज विथ हिम बट डिप्रेशन जो है उनका सिड के जो है बिहेवियर के बाद भी खुश करने की कोशिश के बाद भी जो है उनका डिप्रेशन कम नहीं होता अब जो है बड़े जो होता है द बड़े बड़े जो है यहाँ पे जो है देखे नावल में बहुत सारे लोगों का नाम नहीं दिया है माँ जो है माँ को माँ ही बोला है उन्होंने दे हैव नॉट गिवन हर नेम यहाँ पे उनका एक बेटा होता है जिसको कि बड़े बोलते हैं सब उसका भी नाम हमको पता नहीं होता है uh, उनकी एक बेटी होती है जिसको बेटी ही बोलते हैं वी डोंट नो हर नेम द माँ हैज़ अ डॉटर इन लॉ जो है uh, उनके जो बेटा होता है उसकी शादी हो चुकी होती है तो शी इज़ रेफर टू एज द डॉटर इन लॉ इज़ रेफर टू एज़ बहू वी डोंट नो हर नेम ईदर वी नो द नेम ऑफ वन ग्रैंड सन दी अदर ग्रैंडसन जो कि बाहर रहता है ऑस्ट्रेलिया में हमको उसका भी नाम नहीं पता है एनी anyway, सो so जो माँ माँ मा जो है आ, बेटी का जो है बेटी आती है उनकी इस माँ की बेटी आती है बेटी जो है बहुत साल पहले घर जुड़ के भाग गई होती है यू नो व्हेन शी इज़ अ टीनेजर जो है वो रिबेलियस स्टेज में होती है और लोगों को उसको घर के लोग जो है उसके हरकतों से हमेशा नाराज होते हैं दे आर कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइजिंग हर सो शी रिबल्स मोर एंड मोर जो है और अलग कपड़े पहनती है यू नो सॉर्ट ऑफ लाइक अ वेरी फ्री हिप्पी और बोहो लाइफ स्टाइल जो है बेटी अडोप्ट करती है एंड एवरीबडी इन द फैमिली इज अपोज टू हर वे ऑफ लिविंग सो शी रन्स अवे फ्राम होम ठीक है और कभी कभी ये बेटी आती है और छुपके छुपके माँ जो है इससे मिलती है लेकिन बाकी के लोगों को क्योंकि बेटी का बिहेवियर पसंद नहीं होता है तो एवरीबडी इग्नोर्स उसके फादर जो है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और सबसे ज़्यादा अगर बेटी का किसी से जो है रिलेशनशिप ख़राब होता है तो वो उसके भाई यानी बड़े से होता है सो so, बुक में जो है बेटी को जो है शी इज़ रेफर टू एज बड़े सिस्टर है ना बड़े की बहन जो है uh, ये नाम से काफ़ी बार बुलाया जाता है दिस इज़ डन टू शो द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन बेटी एंड बड़े बड़े इज़ द रिस्पॉन्सिबल वन यू नो ही स्टडीज़ ही गेट्स गुड ग्रेड्स ही ही कन्फॉर्म्स टू द सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस वो गवर्नमेंट सवेंट बनता है उसकी जो है सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट होती है तो वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है और बेटी जो है वहीं जो है शीज़ uh, रिबेलियस वो जो है लड़कों की तरह कपड़े पहनती है लड़कों की तरह भी नहीं जो है हम बोलेंगे जो है वेरी शी वेस वेरी स्ट्रेंज क्लोथ लाइक मे बी टाइडाइड टी शर्ट्स एंड वियर्ड बोहिमियन स्कर्ट जो है ऐसे जो है उसकी ड्रेसिंग होती है uh, और ये लिखती है शी इज़ अ राइटर शी बिकम्स अ राइटर एंड शी राइट्स ओपिनियंस दैट नो बडी केयर्स मच अबाउट जो है ऐसे ओपिनियन जो है बेटी के होते हैं जो कि लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आते सो शी इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी एंटायर फैमिली और जो है शी इज़ द इेस्पांसिबल वन क्योंकि वो घर से भाग जाती है घर से भागने के बाद जो है बेटी जो शी मीट्स विद मैन शी ट्राइज़ टू हैव रिलेशनशिप विद दैम एंड दैट इज़ इवन मोर अनएक्सेप्टेबल टू द फैमिली वो जो है फैमिली को जो है वो पूरी तरह अनएक्सेप्टेबल होने के बाद जो है फैमिली जो है उसे कांटेक्ट कट कर, कर देती है लेकिन माँ जो है अपनी बेटी से कभी कांटेक्ट नहीं तोड़ती है फिर जो है बेटी एक दिन जो है बहुत सक्सेसफुल राइटर बन जाती है और लोग जो है बेटी के बारे में पूछने लगते हैं फैमिली से द फैमिली ट्राइज टू तो रिप्लाई लेकिन फिर भी वो बेटी को एक्सेप्ट नहीं करते कब एक्सेप्ट करते हैं जब बेटी को बहुत सारे अवार्ड्स मिल जाते हैं और राष्ट्रपति भवन में जो है उसका सत्कार होता है देन एवरीबडी इन द फैमिली रियलाइज़ कि बेटी से कनेक्शन तोड़ के अब उनको कोई फ़ायदा नहीं है सो so द बेटी इज़ रिलकटेंटली एक्सेप्टेड बैक इन द फैमिली एंड नाउ आफ्टर हर फादर्स डेथ टू इम्प्रूव हर मदर्स हेल्थ बेटी जो है वापस आ जाती है और बड़े और बेटी के बीच में जो है नावल में टेंशन जो है अभी ख़त्म हो जाता है सो विल स्टॉप योर आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर